सावली होम्योपैथिक कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा स्टाइपेंड के मुद्दे विरोध प्रदर्शन करते हुए भारी सूत्रोच्चार लगाए गए थे। सावली होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करते वैसे विद्यार्थियों द्वारा आज प्रिंसिपल के खिलाफ आवेदन पत्र देते हुए विद्यार्थियों को मिलते वैसे स्टाइपेंड के रूपे लेने की मांग की गई, जिसमें विद्यार्थियों को दिए जाते वैसे स्टाइपेंड के रूपे में चुकाने में अनियमितता और बाद सरकार द्वारा तय की गई रकम में बढ़ावा करने की और स्टाइपेंड नियमित रूप से देने की मांग करते हुए आज गुस्साई विद्यार्थियों ने सावली होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को आवेदन पत्र देते हुए भारी सूत्रोच्चार लगाए थे। जहां विद्यार्थियों ने उनकी मांगों का स्वीकार नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में उग्र आंदोलन किया जाएगा, वैसे भी चेतावनी देते हुए अपनी मांगों को लेकर सूत्रोच्चार लगाए थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और होम्योपैथी इंटर्न्स तबीबों द्वारा मेहसाणा, वडोदरा और आणंद अंदर चालती जो ग्रांट इन चार कॉलेजों से तेमा स्टाइफंड मुद्दा ने लई आज बधा विद्यार्थी एकत्रित थे। 2018 पसार करेलो है मुजब इंटर्न्स तबीबों ने 5200 रुपया स्टाइफंड वधारी ने स्टाइफंड 9000 रुपया करवामां आवे छे, परंतु बे वर्ष जेटलो लांबो समयगाळो वीती गया छतां पण आ हजी स्टाइफंड नो वधारो थयेलो नथी। आ उपरांत जे स्टाइफंड जे समयांतरे मळवुं जोईए ते 3 અથવા 4 મહિનાના સમયગાળે ભેગું સ્ટાઇફંડ આપવામાં આવે છે અને સરકારે આટલો લાંબો શા માટે વિલંબ કરેલો છે? જ્યારે હોમિયોપેથી સિવાયની બધા બીજી જે ફેકલ્ટીઓ છે આયુર્વેદ અને MBBS તો તે લોકોના જ્યારે સ્ટાઇફંડ સમયાંતરે વધે છે અને તે લોકોને સમયાંતરે સ્ટાઇફંડ મળે છે તો હોમિયોપેથીના વિદ્યાર્થીઓ સાથે શા માટે આવો અન્યાય કરવામાં આવે છે? તેને લઈને આજે વિદ્યાર્થી પરિષદને હોમિયોપેથીના ઇન્ટર્ન તબીબો દ્વારા આવેદનપત્ર આપવામાં આવે છે અને 5 દિવસનો અલ્ટિમેટમ આપીને જો બધી માંગણીઓ પૂરી નહીં થાય તો વિદ્યાર્થી પરિષદને હોમિયોપેથીના બધા ઇન્ટર્ન તબીબો દ્વારા ઉગ્રમાં ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવશે। આપણું નામ? સિદ્ધાર્થ પટેલ, ગુજરાત પ્રાંત, જિજ્ઞાસા સહયોગ।